बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे चिकन समोसा क्विक, इजी और सिंपल तरीके से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे मैंने पैन चढ़ा दिया है। पैन हमारा अच्छे से हो गया है गरम। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटे साइज़ की बारीक कटी प्याज। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। यहाँ पर मैं डाल दूंगी इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, नमक टेस्ट के हिसाब से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा बोनलेस चिकन। चिकन को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। चिकन हमारा 250 ग्राम है। चिकन को हम मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जिससे मसाले हमारे जलेंगे नहीं। यहाँ पर मैंने बिल्कुल 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसे कवर कर देंगे। कवर करके हम इसे लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। इसे पकते 4 मिनट हो गए हैं। आइए चेक कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने टेंडर चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल किया था, तो ये जल्दी पक जाएगा। इसके अंदर हम डाल देंगे बारीक कटा हरा धनिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर हम एक बाउल ले लेंगे, जिसमें हम पेस्ट बना के तैयार करेंगे। 1 टेबलस्पून मैदा, थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसका स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। पेस्ट हमारा बनकर तैयार है। इसे कर देंगे साइड। और यहाँ पर हमने कुछ समोसा पट्टी ले ली है। एक समोसा पट्टी ले लेंगे और समोसा बना के तैयार करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसके अंदर हमने स्टफिंग डाल दी है और अब हम समोसे को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। किनारे के ऊपर हम जो पेस्ट बनाया है उसे लगा देंगे और समोसे को अच्छे से फोल्ड करके चिपका देंगे। इसी तरीके से हम सारे समोसे बना लेंगे। आप चाहे तो इसे बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। समोसा बनकर तैयार है और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तेल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है और समोसे डालकर हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। समोसों को अलट पलट कर इसके क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। समोसे को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। अलट पलट कर हमने समोसे को अच्छे से फ्राई कर लिया है और ये फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। समोसे को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। बाकी के भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इस चिकन समोसे को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। आप भी इसे इसी तरीके से बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें। समोसे हो गए हैं हमारे अच्छे से फ्राई और अब हम इसे भी निकाल के प्लेट में रख लेंगे। चिकन समोसा हमारा सर्व करने के लिए तैयार है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।